बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। कल नेट सर्फिंग करते हुए फेसबुक के ऊपर मुझे एक वीडियो मिली किसी दानियाल साहब की, और वो वीडियो क्या थी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। दानियाल साहब बेसिकली जौहर में जो आरजे मॉल है, जौहर चौरंगी से पहले आरजे मॉल है, वहाँ पर कुछ जॉब करते हैं, और उनकी एक वीडियो थी जिसमें वो चंद बच्चे जो वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह धोते थे उनकी वीडियो उन्होंने बनाई, मुझे बड़ी कैच करी। मैंने उनको कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि यार ये मैंने सर, मैंने कहा मुझे आपकी वीडियो अपने यूट्यूब के लिए यूज़ करनी है, तो उन्होंने उसकी पूरी डिटेल मुझे बना के दी। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे, उससे पहले वो करते थे कॉमेडी, नाच गाने की वीडियोज़, डांसिंग, कुछ एक्टिविटीज़ फ़न की। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि यार यासीन, बेसिकली मेरा दिल जो है ना वो फट गया इनकी, इनको देखकर। अच्छा, बेसिकली हुआ क्या था, दो दिन पहले या एक दिन पहले JDC के जो ज़फ़र अब्बास हैं उन्होंने एक वीडियो करी थी रात को 4 बजे, एक बच्चा फुटपाथ पे सो रहा था। वो वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, पहले उस वीडियो को देखिए, ठीक है? फिर मैं दानियाल महमूद की तरफ जाऊँगा जिन्होंने मुझे वीडियो भेजी, पूरा लिंक भेजा, इस पूरी चीज़ को देखिएगा। अच्छा, इसको कहते हैं चेंज, किस चीज़ का चेंज। अब बेसिकली मैं ज़फ़र अब्बास का कोई बहुत बड़ा डाई हार्ड फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जो काम ज़फ़र अब्बास कराची वालों के लिए या इंसानियत के लिए कर रहा है कोई कर नहीं सकता, ये भी एक हकीकत है। जितने नाम नेहाद कराची को ओन करने वाले लोग बने हुए इंसानियत का, देखें सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी मुल्क की, किसी नेशन की जो चीज़ होती है वो यूथ होता है। अगर यूथ को आपने इस काबिल खड़ा कर लिया तो फिर आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं रहते। हमारी यूथ ही बेरोज़गार है, यूथ की बेरोज़गारी के लिए कोई नहीं सोच रहा। अगर वो बंदा सोच रहा है तो वाकई ज़फ़र अब्बास के साथ मैं स्टैंड करता हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ कि उसके जैसा काम करने वाला मैंने अभी तक नहीं देखा, और MBS चैनल अगर ज़िंदगी में कभी कहीं जाके मर्ज होगा तो 100% JDC के साथ मर्ज होगा, वरना किसी और के साथ हम किसी किस्म का कुछ नहीं कर सकते। डेफिनेटली जो काम ज़फ़र अब्बास कर रहा है वो वाकई बिना किसी चीज़ के कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि यार मैं उस वक्त सुकून से बैठूंगा जब JDC को ताला लग जाएगा। और ये हकीकत है, ये हकीकत है। JDC को ताला लगने का मतलब ये कि कोई बेरोज़गार नहीं होगा, कोई सुसाइड नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सब अपने तौर पर बेहतर तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले चलते हैं वो वीडियो देखते हैं जो ज़फ़र अब्बास ने करी उस बच्चे को लेके, फिर हम चलेंगे दानियाल महमूद की तरफ जिन्होंने मुझे पूरी डिटेल्स भेजी है, एंड थैंक यू सो मच। ये एक वो प्लेटफॉर्म दिया है कि कोई भी शख्स कोई अपनी वीडियो बनाकर मुझे सेंड कर सकता है। इसका तरीका बड़ा आसान है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद अपना इंट्रोडक्शन कराइए, बताइए, और कोई चीज़ अगर आप शेयर करना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे सोशल मीडिया पर, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। ऑथेंटिक और अच्छी चीज़ होनी चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव चीज़ बिल्कुल शेयर नहीं करूँगा। तो थैंक यू सो मच दानियाल, आपने जो कुछ किया उस वीडियो को भी हम शेयर करते हैं। पहले ज़फ़र अब्बास की वीडियो देखते हैं, बेसिकली वो क्या थी और उस वीडियो से इम्प्रेस होकर दानियाल ने जो वीडियो बनाई, फिर हम उसकी तरफ चलेंगे। मुझे याद दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना, और इस वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करना, ठीक है? मैं ऑलरेडी ज़फ़र अब्बास को टैग कर रहा हूँ, हैशटैग भी कर रहा हूँ, टैगिंग भी करूँगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरी आवाज़, क्योंकि इस वक्त कोई और ऐसा बंदा है नहीं हुकूमत की तरफ से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कुछ हो रहा है। अल्लाह करे हो, पॉजिटिव तो हैं हम, पॉजिटिव हमारा बिलीव है कि इंशा अल्लाह बेहतर होगा, लेकिन फिर भी ये बच्चे हैं यार, ये नहीं समझ सकते कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ धो के 5-10 रुपये, वाकई में दानियाल तुमने जो वीडियो बनाई है ना, दिल मेरा भी बहुत वो हुआ, और नो वर्ड्स। ज़फ़र अब्बास की वीडियो देखेंगे, उसके बाद दानियाल का एक इंटरव्यू है जिसमें दानियाल ने पूरी डिटेल बताई है, और फिर उस वीडियो की तरफ जाएंगे जो दानियाल ने फेसबुक पे अपलोड करी थी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। रात के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं, अस्करी 4 के मेन गेट के पास बाहर रोड पर राशिद मिनास रोड के फुटपाथ पे एक बच्चा सो रहा है। आए मैं दिखाता हूँ आपको, शदीद सर्दी है, बहुत छोटा बच्चा है। मुन्ने, ओए मुन्ने, कहाँ, क्या, यहाँ क्यों सो रहे हो, यहाँ क्यों सो रहे हो, घर कहाँ है तुम्हारा? हाँ, जाओ घर जाओ, यहाँ क्यों सो रहे हो? तो यहाँ क्यों सो रहे हो ये तो बताओ, जाओ घर जाओ। पैसे वैसे चाहिए? क्या काम करते हो? कहाँ है पॉलिश दिखाओ।
कितना कमा लेते हो एक दिन में? 100-200 आज नहीं कमाएगा हैं? चलो अच्छा उठो, ये लो पैसे दे रहा हूँ, जाओ घर जाओ, उठो उठो जल्दी उठो। अच्छा देखिए, मैंने सिर्फ ये जो वीडियो बनाई इस बच्चे की, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं हुक्मरानों को ये दिखा दूं कि बड़े लोग नहीं कमा पा रहे, बेचारे जवान जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, लोगों के दफातर बंद हो रहे हैं, नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। बच्चा 5 साल का सड़क के ऊपर सो रहा था, क्यों? क्योंकि वो जूते पॉलिश करता और आज उसके बाद 150 रुपए की दिहाड़ी नहीं लगी। हमने वीडियो बना के ओपन नहीं छोड़ दी, हमने उस बच्चे को 3-4-5-6-10 दिन के पैसे दे दिए, जा बेटा घर जाके सो। लेकिन दिखाना सिर्फ इतना है कि क्या हाल हो गया है, रात को 3-3-4-4 बजे अगर 5 साल का बच्चा सड़क पर सो रहा है। बड़ी बड़ी फूड चेनें बनी हुई थी वहां पर इंटरनेशनल, अगर 100 रुपए का बर्गर किसी गरीब के बेटे को खिला देंगे तो कयामत आ जाएगी। कानून साजी कीजिए, जो इतने बाहर की कंपनियां कमा रही हैं करोड़ों अरबों रुपए, गरीबों के गरीब का बच्चा अगर भूखा सो रहा है यार सड़क पे बगैर कंबल ले आपके, यार उसको पेट में रोटी ही दे दो यार, कुछ दे दो, एक बर्गर ही दे दो यार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल है और मैं एंडाई ग्रुप ऑफ कंपनी से वाबस्ता हूँ। मैं असल में यहाँ पर उनके यहाँ काम करता हूँ, और दूसरी बात ये मेरा एक आउटलेट है ना, इस आउटलेट पे मुझे काम करते हुए करीब 6 महीने हो गए। तो मैं अक्सर बेशतर वीडियोस देखता था, मुझे इतना कोई ताल्लुक वास्ता भी नहीं वीडियोस वगैरह से, मैं वीडियो वगैरह देखता था और ये देखता था। अभी परसों मैंने वो ज़फ़र अब्बास भाई की एक वीडियो देखी, उसमें देखा कि वो बच्चा सो रहा था रात को 4 बजे ना, उन्होंने उसको उठाया और बताया कि भाई ये बच्चा भूखा है, ये मैंने देखा। और वो बच्चा असल में बेसिकली हमारे यहाँ पे ना पार्किंग है, पार्किंग एरिया में काम करता था वो बच्चा, वही सफाई करता था, मेरी नज़र नहीं पड़ती थी। मैंने जब उस बच्चे की वीडियो कल रात में देखी तो मैंने कहा ये तो वही बच्चा है जो हमसे बिस्किट मांगा करता था या इधर बाइकें साफ करता था, कोई 10 रुपये दे रहा कोई 5 रुपये, तो मेरी नज़र पड़ी। अब जब मैं कल आज आया हूँ तो मैंने वही 4-5-6 बच्चे देखे, वो बच्चे बेचारे वही टायरें साफ कर रहे थे, तो मेरे जहन में आई वीडियो बनाना, मैंने वीडियो बना दी। देखिए मामला तो दुनिया के वैसे ही बहुत ख़राब चल रहे हैं, कोई किसी को हम हुकूमत को बोलें, इसको बोलें, उसको बोलें, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुसलसल हम तनज़ुली की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो मैं क्या करता, मैंने एक वीडियो बनाई भाई, वो आपने देखी है, आप किसी ने भी मांगी या जो भी मामला हैं, बस इन बच्चों की मदद हो जाए भाई। वो बच्चा है, एक बच्चे की मदद हुई आज से तकरीबन 2-4 दिन पहले, उस बच्चे का नाम जाहिद है, समोसा बेचता था, अल्लाह उसको खुश रखे, उस बच्चे की भी लोगों ने मदद की कराची वालों ने, तो मैंने भी कराची वालों से ये अपील की कि यार इन बच्चों की भी मदद कर दो। मैंने करी, मेरी तरह वीडियो कोई और बनाएगा, इस तरह बच्चे तो एटलीस्ट खुश हो जाएंगे यार। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे वीडियो बनाइए, उनको कभी 5 रुपये कोई 10 रुपये देता है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ साफ कराने के, इतनी बड़ी बड़ी बाइकें साफ कराने के, कोई 5-10 रुपये की क्या औकात है? बच्चों की उम्र है कि 6 साल का 5 साल का 8 साल का बच्चा है यार। बाकी ये मैं कहना चाह रहा था, इस सिनेरियो में नहीं वीडियो बनाई थी क्योंकि वो जफर भाई ने बनाई थी, तो मैं उनका फ़ैन फॉलोवर नहीं हूँ, मगर यार उनका कॉज बहुत अच्छा है, वो बंदा एक एटलीस्ट ऐसा काम कर रहा है, खाना तो मिल जाता है किसी को। ये बच्चे यहाँ पे घूमते रहते हैं, कौन है क्या है हमें नहीं पता, मगर मेरे पास आते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, शोल करते हैं, मस्ती करते हैं, मैं भी उनके साथ मस्ती करता हूँ। बस आज मैंने वीडियो बना दी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ये वीडियो बनाने का मकसद है, पहले वो सुन लो उसके बाद मैं बताता हूँ आपको सारी कहानी। यार ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-5-6-6 साल के बच्चे हैं यार, ये भी ये खड़ा, ज़रा कैमरा घुमा लो थोड़ा सा तो मेहरबानी होगी, देखो ये भी गाड़ी साफ कर रहे हैं यार। मैं इधर खड़ा हूँ आरजे मॉल के बाहर ना, मैं असल में यहाँ पे काम करता हूँ, बेसिकली वीडियो से इंस्पायर मैं इसलिए हुआ था वो वाली वीडियो बनाने से कि कल रात 4 बजे JDC वाले जफर भाई हैं ना, उन्होंने एक बच्चे की वीडियो बनाई। वो बच्चा यहाँ का था पहले, वो यहाँ पे बाइकें साफ करता था, 10-20 रुपये मिलते थे ना उसको, तो वो वहाँ पे 4 बजे रात को सोया हुआ, मैं पहचान गया उसको वीडियो में देख के, मैंने कहा यार ये तो वही बच्चा है जो हमारी तरफ सफाई करता था, अब ये यहाँ पे सो रहा है। तो दादा उस बच्चे को तो उन्होंने कल पैसे वैसे दिए, उसको राशन वाशन डलवाया, जो भी मामला किया। मैं ये कह रहा हूँ 2-3 दिन पहले एक बच्चा था, फादर उसका क्या नाम था, जाहिद मोहम्मद उसका नाम था, उस बच्चे की वीडियो वायरल हुई है, उस बच्चे की बड़ी मदद की जा रही है, बहुत अल्लाह का शुक्र है, उसके साथ बड़ा नेक मामला हुआ और खुश रखे अल्लाह उसको, हमारा उससे कोई मामला नहीं है, मगर अल्लाह उसको खुश रखे। मैं आपको बताऊँ उससे छोटे बच्चे हैं, मगर ये उसकी तरह क्यूट नहीं है यार, ये बच्चे बड़े प्यारे हैं मगर उसकी तरह क्यूट नहीं है, और उसकी तरह ना ये साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने। इनकी बदकिस्मती ये है कि ये गरीब घर में पैदा हो गए और कुछ भी नहीं, आपको पता है गुरबत बहुत बड़ा दुख है। हुकूमती इदारों से तो हमने बस की हुई है, किसी को उम्मीद थी भी नहीं और ना है, अब सिर्फ प्राइवेटाइज लोग जो है ना मेरे जैसे आपके जैसे वही कुछ कर सकते हैं जिनकी उतनी इस्तेदात है, मेरी जितनी है मैं करता हूँ, यहाँ पे जो लोग हैं वो सब करते हैं। कहने का मकसद ये जफर भाई आप तक ये वीडियो पहुँच जाए तो ज़्यादा इन बच्चों के पास भी पहुँच जाओ, इनका भी अल्लाह रसूल के पास वाली वारिस ऐसा ही कोई बंदा होगा जो इनकी मदद करे ना। बेचारे सुबह बैठते टॉफियाँ खाते रहते, बेटा कितने पैसे मिलते हैं बाइक साफ करते हो?
110 रुपये। कितनी उम्र है तुम्हारी? इनको उम्र भी नहीं पता, क्या बताएं यार, इनको कुछ पता ही नहीं है। बाइक को बाइकें दिखाना जरा, पार्किंग में जो बाइकें खड़ी हुई, ये बाइकें साफ करते हैं, ये गाड़ियां यहाँ पे साफ करते हैं, लोग खड़े हुए, ये देखो ये मामला है। जफर भाई तुम ही आ जाओ, या जफर भाई ना भी आए तो जफर जैसा कोई बंदा आ जाए यार, कोई इनकी मदद के लिए आ जाए, इनकी तो मदद करो यार थोड़ी यार। अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था असल में, आप लोग भी शेयर करें, बता दें ज़रा यार, इन लोगों की भी मदद करें। कराची वालों को निकलना पड़ेगा भाई, ये छोटे बच्चे हैं, यही सहारा है। देखो ये बिस्किटें खाते रहते हैं और ये ख्वार होते रहते हैं यहाँ पे। अल्लाह हाफिज़।